यदि आपने भी प्रेम विवाह किया है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच कर रहना, कहीं अनबन के चलते तलाक लेने न पहुंच जाना, वरना तलाक में पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मिलने से रहा, उल्टा शादी रद्द भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है, हिंदू विवाह नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं, न ही व्यापारिक लेन देन है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एस.जे. मसीह की बेंच ने एक तलाक केस की सुनवाई के दौरान ये कड़ी टिप्पणी की है। तलाक का केस दो कमर्शियल पायलट्स के बीच था और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शादी में हिंदू विवाह से जुड़ी रस्में नहीं निभाई गईं और संविधान के आर्टिकल 142 के मुताबिक दोनों पायलट्स शादीशुदा नहीं हैं। ये कोर्ट तलाक की प्रक्रिया और पति व उसके परिवार पर लगाया गया दहेज का केस खारिज करता है। ये तो एक टिप्पणी भर थी। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, हम इस चलन की निंदा करते हैं जिसमें युवा महिलाएं और पुरुष पति पत्नी का स्टेटस पाने के लिए ऐसी शादी करते हैं जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह संस्कार नहीं होते। हिंदू विवाह में बेटर हाफ जैसा कुछ नहीं होता और पति पत्नी दोनों अपने आप में पूर्ण होकर साथ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक केस में हिंदू विवाह की सप्तपदी परंपरा का भी जिक्र किया। ऋग्वेद से जुड़ी इस परंपरा की सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या भी की है। कोर्ट ने कहा कि सातवां फेरा पूरा होने पर दुल्हन दूल्हे से कहती है कि इन सात फेरों के साथ हम सखा बन गए हैं, मैं जीवन भर इस मित्रता के बंधन में रहूं, इससे कभी अलग ना होना पड़े। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है और उसे विवाह में बराबरी का हक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि जब तक दूल्हा दुल्हन विवाह की सभी रस्मों से नहीं गुजरे हैं, तब तक हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के तहत कोई हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा और किसी अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलने से दोनों पार्टियों को शादीशुदा होने का स्टेटस भी नहीं मिलेगा, ना ही इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का मतलब ये हुआ कि आर्य समाज मंदिर में अक्सर शादी कर लेने वाले जोड़ों को जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी वैलिड नहीं होगा। दरअसल हिंदू विवाह कई रस्मों को एक साथ मिलाकर संपन्न होता है। ये महज फेरे लेने या अंगूठी एक्सचेंज कर लेने भर से संपन्न नहीं माना जाता। हिंदू विवाह में कन्यादान की रस्म होती है जिसमें वधू के माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर यानी दूल्हे के हाथ में सौंपते हैं। मॉडर्न युग में तो संगीत की रस्म को भी एक दिन तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि गांव में आज भी कई दिन तक ये रस्में चलती हैं। हल्दी और मेहंदी की रस्म भी मॉडर्न युग में एक ही दिन में सिमट गई है, जबकि गाँवों में ये परंपराएं आज भी 3 से 5 दिन तक चलती हैं। विवाह की रस्मों में 7 फेरे होते हैं और इसी परंपरा को ऋग्वेद में सप्तपदी परंपरा कहा गया है। विवाह की रस्मों में लड़की को मंगलसूत्र पहनाना, उसकी मांग में सिंदूर लगाने जैसी रस्में भी शामिल होती हैं और इन सभी रस्मों को मिलाकर हिंदू विवाह संपन्न होता है। और हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि जिस विवाह में रस्में नहीं निभाई गई वो तो वैध है ही नहीं। तो यदि प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सावधानी से सोचिएगा।